भाजपा कुछ नहीं कर सकती, भाजपा ने सिर्फ कोरोना ही फैलाया है। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तथा 2500 से ज्यादा अधिक जाने जा चुकी है। इन सबके लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। भाजपा पर लगा एक गंभीर आरोप। कल भी पर्यटन विकास निगम के 83 लोगों की नौकरी हटा दी गई है। अतिथि शिक्षकों के बारे में भी भाजपा ने विधानसभा में कहा था कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता, हम इनको नहीं ले पाएंगे। भाजपा ने सिर्फ बेरोजगारी ही फैलाई है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान तथा नगर निगम द्वारा हो रही समस्याओं को लेकर कहा, भोपाल को जो परफॉर्मेंस करना चाहिए था वह नहीं किया और अभी भी नगर निगम की व्यवस्थाएं बद से बदतर बनी हुई है। पिछले 3 दिनों से लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। वन कर्मियों की कॉलोनी में भी पाइपलाइन फूटने से पानी कई घरों में भर गया, जिसमें कई तरह का नुकसान हो गया है। दुर्गा जी की प्रतिमा को लेकर सरकार ने की मांग। हमारी ये मांग है कि दुर्गा जी की 10 फीट की मूर्ति प्रजापति समाज को बनाने की इजाजत 15x30 के पंडाल की जगह दे, बैंड डीजे की अनुमति दे तथा रावण को जलाने की अनुमति दे। चली गई। इस सब के लिए बीजेपी की सरकार, शिवराज जी की सरकार, मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है और ये चुनाव होगा एक ही पॉइंट पर। इस अभी चुनाव की क्या जरूरत थी? 5 साल के लिए सरकार को चुना था, विधानसभा को चुना था, पंजे से ये 25 लोग चुन के गए थे, इन्होंने इस्तीफा दिया। ये इस बात की भी रिट याचिका दायर हुई है कि पैसा इनसे वसूला जाए जो खर्च होगा। अगर वही आदमी लड़ता है, इस्तीफा दिया और वही लड़ रहा है, कोई वजह नहीं है, इसलिए पैसा इनसे वसूला जाए। ये जनता का पैसा है और मुद्दा वही है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। ये सब 25 लोग जो गद्दार थे, जिन्होंने केवल कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं की, कमलनाथ जी के साथ नहीं की, जनता के साथ गद्दारी की, इसलिए वोट इस बात पर डलने वाला है। किसान का जो ऋण माफ़ी का पैसा नहीं दिया, 27 लाख के बाद इन्होंने रोक दिया, मुआवजा नहीं दिया, युवा पूरा बेरोजगार हो रहा है। रोज़ कल भी इंदौर में प्रदर्शन हुआ, किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी बेरसिया में की गोली मार रहे हैं किसान को, सतना में गोली मार दी। इसके अलावा इस सरकार नाम की कोई चीज़ इस समय मध्य प्रदेश में है नहीं। ये चुनाव तय करेंगे इस प्रदेश की दशा और दिशा को।